दोस्तों क्या आपको पता है कि गूगल में पर सेकेंड 63,000 बार सर्च होता है कुछ ना कुछ, मतलब एक सेकेंड के अंदर 63,000 बार कुछ ना कुछ सर्च किया जाता है। और डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है, थोड़ा हम शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए। डाटा सेंटर की अगर हम बात करें, अगर गूगल के डाटा सेंटर की बात करते हैं, तो सिर्फ 1% गूगलर ही जो है उस तक पहुंच पाते हैं, मतलब डाटा सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि सिर्फ 1% गूगलर जो गूगल में काम करते हैं वही डाटा सेंटर में अंदर जा सकते हैं। तो फिर अगर ये नहीं जाते हैं तो फिर कौन लोग जाते हैं यहाँ पर, ये भी एक क्वेश्चन आपके मन में बनता है। तो एक बात और पक्की है कि आम आदमी तो यहाँ बिल्कुल नहीं जा सकता है, और यहाँ पर जाएगा कौन, यहाँ पर वो लोग जाते हैं जिनका जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जो दूसरी बड़ी कंपनियाँ हैं उनको उल्टा जो है यहाँ पर पैसा मिलता है, ये जो सारे जितने भी सेंटर्स होते हैं डाटा सेंटर उसमें घुसने का इनको अलग से पैसा मिलता है कि जाइए और आप वहां पर हमारे सेंटर्स को देखिए। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि जो है ये सिक्योरिटी अपनी चेक करने के लिए कि कितने हम सिक्योर हैं, कहीं हमारा डाटा चोरी तो नहीं कहीं कोई कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर उल्टा उन्हें पैसा दिया जाता है कि आप हमारे डाटा सेंटर में जाइए और चेक कीजिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे जानना चाहें कि डाटा सेंटर होते क्या हैं, तो डाटा सेंटर वो होते हैं कि जहाँ पर ढेर सारे कंप्यूटर जो है ढेर सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और एक जगह पर वो सब इकट्ठा करते हैं, फिर उनकी जो है नेटवर्किंग तैयार की जाती है। नेटवर्किंग मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, चौथे से पाँचवें प्रोडक्ट को जोड़ा जाता है और उसके बाद में जो है सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जिक्र आज की डेट में किया गया है, इंडिया का जो बजट हुआ था उसमें भी किया गया, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर होता है और इसको ज़्यादातर जो है हैकर्स जो है हैक नहीं कर पाते हैं, और इसको हैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये सारा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो कोई अगर हैकर आएगा मेन वाले जो है उसको हैक करना चाहेंगे डाटा को, तो लेकिन उसके साथ में बहुत सारे और जो होते हैं डाटा होते हैं, इस कारण से वो आसानी से उसको हैक नहीं कर पाता है। और ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही दमदार होती है। अगर अमेज़ॉन की हम बात करें डाटा सेंटर की, तो अमेज़ॉन का जो डाटा सेंटर है दोस्तों वो भी जो है इंडिया की बात करें तो हैदराबाद में उसे अभी तैयार किया जा रहा है और 11,000 करोड़ की लागत में वो बनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ में वो बनाया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ों का ये लोग ध्यान रखते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। यहाँ पर किसी प्रकार की चेक किया जाता है कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा ना हो, वहाँ पर ही डाटा सेंटर खोले जाते हैं। और फ्यूचर में अगर ऑन पैसिव की बात करें तो वो भी डाटा सेंटर जो लेके आएंगे ऐसी जगहों पर लाएंगे जो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो। और साथ ही साथ अगर हम सोचें कि हम तो फाउंडर हैं हम विजिट करना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ही सेंसिटिव हैं और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ में रखी जाती है। आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी दोस्तों, और हर चीज़ को वीडियो को बारीकी से देखिए समझिए। और ऑलरेडी यूट्यूब पर और बहुत सारी जगहों पर इंफॉर्मेशन वाले वीडियो मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं, और इनसे आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए और नॉलेज लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा बिजनेस टोटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और भी देखिए, ना सिर्फ ऑन पैसिव बल्कि दूसरे जहां से आप टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, तो शेयरिंग कीजिए ताकि सबको एक सही इंफॉर्मेशन जाए और डाटा सेंटर्स की अच्छी अच्छी जानकारियां आपको लेना हो तो इस टाइप के वीडियोस देखते रहिए, जहां से आप नॉलेज के साथ साथ में दूसरों को शेयरिंग करके और समझा सकें कि ये असल में सब चीज़ें काम कैसे करती हैं।